तवा पर्णे कर्णे विसति मनुवर्णे फलमिदं निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनके। हे माता अपर्णे, यदि तुम्हारे मंत्राक्षरों के कान में पड़ते ही चांडाल चांडाल भी मिठाई के समान सुमधुर वाणी युक्त बड़ा भारी वक्ता बन जाता है और महादरिद्र भी करोड़पति बनकर चिरकाल तक निर्भय विचरता है और जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशे कपदवी। जो चिता का भस्म रमाए हैं, विष खाते हैं, नंगे रहते हैं, जटा जूट बांधे हैं, गले में सर्प की माला पहने हैं, हाथ में खप्पर लिए हैं, पशुपति और भूतों के पति यानी कि स्वामी हैं, ऐसे शिव जी को भी एकमात्र श्री जगदीश्वर की उपाधि प्राप्त हुई है। कब? जब उन्होंने हे माता आपके साथ पाणि ग्रहण संस्कार हुआ है यानी कि शादी हुई है, जब आपके साथ में शादी हुई है शिव जी की, तभी उनको देवादिदेव महादेव की उपाधि मिली है। यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा हो वहाँ देवता निवास करते हैं और जिस घर में माँ कामधेनु अपने गोवंश के साथ में निरंतर विहार करती हो वहाँ स्वर्ग के समान सारी रिद्धि सिद्धि अपने आप आ जाती हैं। तो देवी और सज्जनों, मेरा एकमात्र मिशन गौ पालन, यानी कि गौ पालन इज इक्वल टू गौ रक्षा, और सारा इस दुनिया का जो अर्थशास्त्र है इसके इर्द गिर्द ही घूमता है, गौ विश्वस्य मातरः। तो देवी और सज्जनों, जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो कुछ न कुछ यथा योग्यम तथा कुरु, यानी कि अपने आप जो उनको अच्छा लगता है उसी को अपना रोजगार का साधन बनाएं और जगत का कल्याण करें, खुद का भी कल्याण करें और जगत का भी कल्याण करें।